जल जीवन मिशन में हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय एक बार फिर एक्टिव हो गई। ईडी के जयपुर, दिल्ली और गुजरात की 10 टीमों ने आज सुबह 5 बजे 5 लोगों के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई शुरू की। इसमें पूर्व मंत्री महेश जोशी के 2 घर, जलदाय विभाग के 2 ठेकेदारों और जलदाय विभाग के 2 अधिकारियों के ठिकाने शामिल हैं। ईडी की टीमें महेश जोशी के घर पर सर्च कर रही हैं। महेश जोशी और उनके परिवार के 2 सदस्यों से कुछ फाइलों को लेकर पूछताछ की जा रही है। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर पिछले 6 महीने से ईडी की टीमें जांच कर रही हैं। माना जा रहा है कि ईडी के पास हमेशा जोशी सहित जलदाय विभाग के 2 अधिकारियों और 2 ठेकेदारों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, जिनके आधार पर इनसे पूछताछ की जा रही है। जानकार सूत्रों की माने तो जांच एजेंसी महेश जोशी को ईडी मुख्यालय आने के लिए नोटिस भी दे सकती है। इसके बाद आगे की पूछताछ ईडी मुख्यालय दिल्ली या जयपुर में होगी। 3 गाड़ियों में ईडी की टीम सुबह 5 बजे महेश जोशी के रेलवे स्टेशन स्थित घर पर पहुंची। 6:30 बजे जब टाइल्स का ठेकेदार आया तो उसे और लेबर को ईडी के अधिकारियों ने वहां से चले जाने के लिए कहा। इसके बाद ठेकेदार चला गया। अभी ये मकान निर्माणाधीन है। हालांकि महेश जोशी और उनका परिवार फर्स्ट फ्लोर पर रह रहा है। ईडी के अधिकारी फर्स्ट फ्लोर पर ही हमेशा जोशी, उनकी पत्नी और बहू से पूछताछ कर रहे हैं। ईडी के पास में कई अहम दस्तावेज हैं जिनकी पुष्टि की जा रही है। ईडी के पास कुछ वाउचर हैं जिन पर साइन कर करोड़ों रुपए का भुगतान उठाया गया है। ये वाउचर जोशी या जल मिशन में लगे हुए अधिकारियों के सिग्नेचर के बाद ही क्लियर हुए हैं। ये पुष्टि हो जाने के बाद ईडी आगे एक्शन करेगी। जल जीवन मिशन में हुई खरीद के बड़े अमाउंट के फर्जी बिल ईडी के साथ लगे हैं। इन बिलों को लेकर ईडी पूर्व मंत्री सहित अधिकारी और ठेकेदार से पूछताछ कर रही है। इन बिलों की मजदूरी देने की जिम्मेदारी इनके पास ही थी।